अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला के नाम से आज की वीडियो को, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। रमज़ान की वजह से पहले बताता चलूँ कि रमज़ान की वजह से पिछले काफ़ी दिनों से मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आगे टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे, मीन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कैसे बनानी है, हम स्टार्ट करेंगे TVT से। तो ये ब्लॉग आज से सीरीज़ वाइज उस तरफ स्टार्ट रहेगा। तो जब मैं अपनी कंपनी में आया हूँ तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की है TBT जी कि TBT बनाए, ठीक है। तो मतलब मैंने बनाई पहले रिस्क असेसमेंट है, लेकिन TBT मतलब मेरे ख्याल से एक ईजी चीज़ है, तो आप लोगों को समझ में आने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता चलो कि जिन चीज़ों में से मैंने सफ़र किया है वो अपने आइडियाज़ या अपनी सफ़रिंग में आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, मैं ये था कि पाकिस्तान 7-8 महीने फारिग बैठा रहा हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे हैं, अभी फ्री हैं, तो उस फ्री टाइम को ज़ाया ना करें। उसमें एक काम करें कि आप अपनी एक्सेल और वर्ड उस पर अपनी कमांड अच्छी करें कि आपका हाथ उस पर ग्रिप अच्छी आ जाए, ताकि ये चीज़ें आपको साइट से ऑफिस में आने में और ऑफिस में रहने में काफ़ी मदद करती हैं कि आप चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन ईजीली बना सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको एक्सेल में बनाने पड़ते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट है। कुछ कंपनीज़ के अपने फॉर्मेट होते हैं, जैसे सेक ने हमें अपने फॉर्मेट्स दिए हैं, हमें उन फॉर्मेट्स पर चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आती हैं कि जो वर्ड में बनाते हैं, जैसे JSP है वर्ड में है, उसका फॉर्मेट भी हमें सेक ने दिया हुआ है। सो ये चीज़ें आप लोगों की ग्रिप होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बंदों के LOA लिए हैं, तो LOA के लिए मुझे वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ी है। तो आपकी ग्रिप होना एक्सेल पे और वर्ड पे बहुत ज़रूरी है, और जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर है। एक्सेल में आप लोगों को ये मदद रहेगी कि आप डाटा कंपाइल कर सकते हैं। अब मेरे पास जो सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल ट्रैकिंग शीट है, एम्प्लॉयज़ की PPE ट्रैकिंग शीट्स हैं, मतलब मैंने डाटा एक कंपाइल किया हुआ, मुझे पता है कि किस बंदे ने कब कौन सी यूनिफॉर्म ली, कितनी ली, फिर उसकी डैमेज रिपोर्ट, अगला अगला पूरा इस तरह साइकिल रहता है, ठीक है। मटेरियल पे आ जाते हैं, मुझे एक सबस्टेशन पे कितनी सेफ्टी मटेरियल चाहिए, कितनी जगहों पे कितने क्या क्या, तो मेरे पास हर एक चीज़ ट्रैकिंग शीट है। फिर मैं कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन जैसे मुझे साउंड मीटर चाहिए, मुझे सेफ्टी कॉन्स चाहिए, तो मैं वो उन चीज़ों को एक ट्रैक कर सकता हूँ कि मैंने कब अप्लाई किया, मैं उनको ट्रैकिंग कर सकता हूँ। एक्सेल शीट ओपन करूँगा, देखूँगा जी मैंने इस पर कब फॉलो अप किया, कब मैंने उसको नेक्स्ट उस पर लिया, कब वो उसकी अवेलेबिलिटी मुझे मिली है। तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो अब मैंने एक TBT फॉर्मेट, मैंने एक लिंक आप लोगों को उसमें दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वो TBT फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको कहीं पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब मुझे इतना नहीं पता लग रहा है कि वो आप सब लोग ओपन कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोगों का मेरे पास वो, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, तो वो मेरे पास ईमेल आ जाएगी और मैं इधर से कंफर्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग वो डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, TBT फॉर्मेट अपना बना सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मीनिंग साइट का नेम आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का नेम आ जाता है, LOA होल्डर का नेम आ जाता है, इंजीनियर का नेम आ जाता है, ठीक है, जो मैन पावर है जो साइन करेंगे सारा। और TBT एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये भी थोड़ा आप लोगों को ये उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि TBT का आप लोगों को पता हो कि सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक्स। अब मेरा इस पर सर्च करने का मकसद क्या है कि जब जैसे मुझे एक एज ए फ्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने हर चीज़ सर्च करनी है, सीखना है, ठीक है। तो हम गूगल में लिख देते हैं कि व्हाट इज़ सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक, ठीक है। तो अभी मेरे पास गूगल पे आ गया कि टॉपिक्स क्या है टूल बॉक्स टॉक, जो मैं अपने जो अल्फाज में आप लोगों को बयान कर देता हूँ। टूल बॉक्स टॉक ये है कि आप एक इंफॉर्मेशन नॉलेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आप जिसमें वर्कर्स को बताते हैं कि साइट पे कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं, साइट पे कौन कौन से खतरे हैं, साइट पे कौन कौन से काम हैं, उस पे से एक वर्किंग प्रोसीजर, सारा हर चीज़ आप एक उनको बता देते हैं। और इम्पोर्टेंस, सेफ्टी की इम्पोर्टेंस भी बताते हैं, क्या आप अपनी फैमिली की तरफ से आए हुए हैं, आप यहाँ पर फैमिली के लिए अर्न करने के लिए आए हुए हैं, आपने यहाँ पर सेफ होकर काम करना है, ख़ुद को ज़ख्मी करने के लिए नहीं आए। अगर आपको कोई भी नुकसान हो जाएगा, आपके सफ़र कौन करेगा, आपकी टांग टूट जाती है अल्लाह ना करे, तो आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आप 6-7 महीने कमाने से बैठ जाएंगे, ठीक है, आपके वालदैन, आपके बहन भाई बीवी बच्चे सब परेशान होंगे। सो ये सारी चीज़ें आप TBT में कम करते हैं, हैज़र्ड्स बता देते हैं, आप अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन रख लेते हैं कि आपके पास एक एविडेंस आ जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, इन जो है डेफिनेशन की। आप लोगों ने सेफ्टी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो एक सही है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी की डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए। वो ये है कि सेफ्टी, हमें बताया जाता है कि सेफ्टी इज़ बीइंग टू सेफ, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेफ्टी इज़ टू सेफ योर सेल्फ, मीन कह लें कि सेफ
योर एस, मीन अपने आप को बचा के रखना, बिकॉज आपके पास भाई साइड पे कुछ भी हो गया, आपने टीबीटी का आपके पास प्रूव नहीं होगा, आप कसूरवार ठहरेंगे। सेफ्टी कोई ईजी जॉब नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे, तो आपके पास होगा, आप दिखाएंगे मैंने इंडक्शन भी दी हुई है, आप दिखाएंगे मैंने टीबीटी भी दी हुई है। तो सेफ्टी एक ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन वाइज अपने आप को सेफ रखना है, वर्कर्स को भी सेफ रखना है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट पूरा उसको बचा के रखना है, सेफ रखना है, वर्कर्स सेफ तरीके से काम करें। तो ये आज की एक शॉर्ट वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो, और जो लिंक में है टीबीटी का फॉर्मेट दिया हुआ है वो आप लोग उसको क्लिक कीजिएगा, देन मैं उसको है किसी भी तरीके से, मेरे पास ईमेल आएगी, मैं उसको ओके कर दूंगा, तो आप ओपन कर सकते हैं। कोई कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स में चेक करके कर दूंगा उसको, बिकॉज इतनी मेरी भी कमांड नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से वीडियो देखी उसको किया कि उस पर लिंक लगा देते हैं, लेकिन वो मैंने अपने दूसरे जीमेल से ओपन करने की कोशिश की लेकिन वो ओपन नहीं हुआ, तो उसके एक ईमेल आती है फिर मैं उसको ओके करता हूँ फिर वो ओपन होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़।